टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेंसर्स होते हैं जिन्हें आप थर्मोमीटर्स बोलते हैं। वो थर्मोमीटर्स क्या करते हैं जी, आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर की चेंजेस आ रही होती हैं उसको कंट्रोल करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो एक सेट पॉइंट होता है, उस सेट पॉइंट से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना जो है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये सारे काम जो है ये एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो क्या कर रहा होता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी इसी तरह क्या आता है कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करवा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर बहुत जो है कम है तो वो उनकी बॉडी के अंदर मैसेज जाता है कि टेम्परेचर भाई बहुत कम है, तो वो क्या होती है वार्म सेंसेशन जो है उनकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही होती है। इसी जगह बाय का एनवायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो मैसेज देते हैं कि आपने क्या करना है, कूलिंग सेंसेशन जो है वो कास्ट करनी है। ठीक है, ये इस तरह के जो है सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब इस तरह की जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आ रही होती हैं उनकी डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन इफेक्टर्स, रिस्पांस इन इफेक्टर्स, दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। हम इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, जो जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं इनकी डिटेक्शन करवाना। ठीक है, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें डिक्रीज आ रही होती है, दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और बच्चों ये तमाम जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसमें ये किस लिए किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस आए, तो वहां के हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन आए। तो यहाँ के होते हैं डिफरेंट किस्म के मैकेनिजम्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, हम ये होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, सबसे पहले एक हम बात करें अगर जो क्या है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह एक एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, फॉर्मिंग ऑफ होम्योस्टेसिस। और एक और मैकेनिज्म होता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मो बोलते हैं हीट को रेगुलेशन में मेंटेन, क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये मैकेनिज्म होते हैं। ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो क्या कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस गेन करने के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन गेन करने के लिए क्या करवा रहे होते हैं, प्रोसेस करवा रहे होते हैं या हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है की बात करें तो वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट के तौर पे भी और सॉल्वेंट के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, और वाटर का एक पॉजिटिव रोल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। हम ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरमेंट्स की बात करें तो क्या है, एक आगे जी एक टर्म होती है हाइपोटोनिक एनवायरमेंट, ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिक और एक है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन की बात करें, इसका मतलब यह है कि सेल एक सेल है, उसके सेल के बाहर जो पानी है वो ज्यादा होता है। पानी जब सेल के बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर पानी मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और सेल फूलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट कर देगा। हाइपरटोनिक में कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, इसमें क्या है कि आपका एक सेल है, सेल के अंदर पानी ज्यादा होता है, बाहर जो है कम होता है, तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो सेल जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। आपको होम्योस्टेसिस का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।